जैसलमेर से 120 किलोमीटर और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है तनोट माता मंदिर। चलो जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। ये शाम को 7 बजे और सुबह के 7 बजे आरती होती है, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो उसको देखना ज़रूरी है, उसको देखिएगा। तरुण माता जी का मंदिर लोकल्स के बीच में एक अलग ही स्थान रखता है। कोई भी शुभ कार्य हो, शादी हो, बच्चा हो, तो वो यहाँ पर माता जी को भोग चढ़ाने पक्का आते हैं। इवन पाकिस्तान में भी तरुण माता जी को बहुत माना जाता है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, इसके बीच में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी तरुण माता जी के बारे में। '71 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तो यहाँ पर 3,000 बम फेंके गए थे, जिसमें से एक भी नहीं फटा था। और ये है मिस्टर भैरव सिंह, ये बीएसएफ में थे। बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया था इनका। यहाँ आपको बकरे बहुत दिखेंगे, बकरे जैसे पहले बलि प्रथा होती थी वो बंद तो हो गई, बट लोग जो मान्यता मानते हैं उसके बाद यहाँ पर आके बकरा छोड़ देते हैं, बलि नहीं दी जाती बट छोड़ दिए जाते हैं, वो ऐसे ही रोम घूमते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं वो अमर हो गए जी। माता जी के भोग के लिए बनारस चूरमा, चूरमे का लड्डू जी, काजू ग्राह डाल के आया है और यही चढ़ाया जाता है, यही चढ़ाया जाता है माता जी को, ज्यादा पसंद यही है। अच्छा, और क्या क्या डाला जाता है इसमें? इसमें देसी घी जी, गुड़ और काजू ग्राह, इलायची वगैरह डाल के, मेवा डाल के बनाते हैं। भैया के बेटे की जो शादी है वो 7 महीने पहले हुई थी, तो ये माता जी के भोग चढ़ाने के लिए आए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, तो साथ में चलना। और शादी की जो अंतिम रस्म है वो यहीं पर तरुण माता जी के पूरी की जाएंगी। जब तक वो नहीं होगी तब तक वो शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। जैसे नॉर्मल शादी में अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, वैसे यहाँ पर माता जी के फेरे लिए जाते हैं। जैसलमेर से तनोट आने के लिए सरकारी बस की सुविधा भी है। जैसलमेर से बस चलती है 3:30 बजे और यहाँ से बस चलेगी, वापसी रिटर्निंग है 9 बजे के करीब। तो अगर आपके पास साधन ना हो कोई तो बस में आ सकते हैं आराम से। ये रूम्स हैं यहाँ धर्मशाला में, एकोमोडेशन भी है, 100 रुपीज़ में आपको रूम मिल जाएगा, 700 में एसी रूम, और डॉर्मेट्री तो फ्री है ये। जब भी यहाँ आओ ना एक रात जरूर रुक के जाना, दोनों टाइम की आरती देख के जाइएगा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, मैं तो यहाँ 3 दिन रुक गया। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था कि कोई लोकल मिल जाए जो अच्छे से इतिहास बताए, तो रतन जी ने एग्री किया। रतन जी अब हम बताएंगे इतिहास यहाँ के बारे में सारा के सारा। नमस्कार, जैसा कि मातेश्वरी तनोट राय जी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो इस मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो बहुत प्राचीन है और माता जी के पर्चों के बारे में बहुत ही अद्भुत जानने को मिलेगा। ये मंदिर लगभग 808 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का निर्माण हुआ था और माता जी
जो है वो चारण कुल में उनका जन्म हुआ था, और चारण कुल के अंदर जन्म होने के बाद में इनके पिताजी है, इनके घर में कोई संतान नहीं थी, और इनके पिताजी ने हिंगलाज माता शक्तिपीठ की 8 बार यात्राएं की थी, और उनके आशीर्वाद से माता आवड़ का यहाँ पर माता आवड़ का उनके घर में जन्म हुआ। उनके साथ में 8 पुत्र अलग से हुई और एक जो उनका पुत्र हुआ जो कि खेतलाजी के नाम से है। और माता तनोट ने यहाँ पर अपने अद्भुत परिचय दिखाए, माता आवड़ ने यहाँ पर अद्भुत परिचय दिखाए, इससे प्रभावित होकर के यहाँ के राजा तनोट राय जी ने इस मंदिर निर्माण करवाया यहाँ पर। और यह मंदिर निर्माण करवाने के साथ ही, जैसा कि ये मंदिर का निर्माण तनोट राय जी दरबार ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम मातेश्वरी तनोट राय जी के नाम से फेमस हुआ। और जैसा कि 65 के अंदर और 71 के अंदर 71 के अंदर पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया था और लोंगेवाला पोस्ट पर, तो उसमें माताजी ने अपना पूर्णतया योगदान दिया ऐसा माना जाता है। और ऐसा मानना क्या, ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर लगभग 3,000 के करीब बम गिरे थे जिसमें से एक भी नहीं फूटा, ऑटोमेटिक ही डिस्प्यूज हो गए। तो उसके बाद में ये माताजी का लोगों को पता चला, और लोगों को पता चलने के बाद में आज इस मंदिर को ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं जानता। और यहाँ पर हम हर साल भादो महीने की बीज को सिरोही से साइकिल यात्रा लेकर के निकलते हैं, और माता जी के दरबार में हम लोग 8 दिन का हमारा टाइमिंग रहता है, 8 दिन के अंदर हम यहाँ पहुँचते हैं। और 8 दिन के बाद में यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ भव्य भजन आयोजन किया जाता है, हमारे सारे साइकिल यात्री यहाँ पर नाच गान करते हैं, माता जी के दरबार में जयकाराता लगाते हैं, जागरण करते हैं, और लगभग आप ऐसा समझो ना कि एक अलग ही माहौल होता है। कुछ लोग बसों के द्वारा यहाँ यात्रा पे आते हैं, यहाँ नवमी के दिन मतलब भव्य आयोजन होता है। और माता जी के दरबार में जितना मेरे को पता था उतना मैंने बता दिया, और अगर भूल हुई हो तो माफ कर दीजिए। अभी हिंगलाज माता जी के बारे में बताइए, वो हिंगलाज माता जी जिनका आशीर्वाद लेके ये 8 बच्चों का जन्म हुआ था, तपस्या की थी, वो कहाँ पर है? हिंगलाज माता जी का मंदिर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में उसका भी रास्ता खोला जाता है ना, उसके बारे में उनका रास्ता, वो वहाँ पे मेला होता है, उसके डेट तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मेला होता है, और एक दिन के लिए वहाँ पर वो पाकिस्तान। हिंगलाज माता के बारे में माना जाता है कि जिस समय पाकिस्तान हमारे से अलग होना था ना, उस समय हिंगलाज माता का मंदिर, हिंदुओं की देवी जो मानी जाती है, एक शक्तिपीठ है जो पाकिस्तान के अंदर अभी के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम उसको बड़ी संख्या में पूजते हैं, हिंदू भी पूजते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं, और माता का मतलब अलग ही एक पर्चा है। और जो वहाँ के मुशर्रफ थे, प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, वो भी आए थे जब इंडिया में विजिट करे थे, वो भी यहाँ पर माथा टेकने आए थे। कहते हैं कि जब यहाँ पर बम फेंके थे पाकिस्तान ने, जो गिरे थे वो यहाँ पर नहीं फूटे, और जो हमारी फोर्सेस ने उधर गिराए वहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर है, जो वहाँ पर गिरे वो भी नहीं फूटे, वहाँ पर भी नहीं फूटे थे। तो हिंगलाज माता का ही अवतार है, ये जो तनोट माता जी जो है वो हिंगलाज माता का ही अवतार है, तो उनका जो अवतार है तो दोनों जगह एक ही माता है। तो हम सारे भाई हैं, सारे भाई हैं, अभी अलग अलग हो गए, आत्मा तो एक ही है सबकी। मेरा तो ये मानना है कि आत्मा एक ही है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये समझते हैं कि सबकी आत्माएं एक ही है। ये तो देखो कुछ चीजें होती है कि लोग ये समझते हैं कि आप अलग हो हमसे या हम आपसे अलग है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर लगेगा तो चोट लगेगी तो खून जो निकलेगा वो लाल ही निकलेगा। मैं तो अनेकता में एकता की बात को समझता हूँ। देखो जैसा कि माता जी के बारे में, ये जो बम नहीं फटे और युद्ध हुआ तो ये एक शांति का प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि माता जी खुद नहीं चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। माता जी के लिए तो देखो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इनको मानता है वो उनके साथ है, तो माता जी नहीं चाहेगी कि युद्ध हो,
ये आज चाहे पाकिस्तान का कोई फौजी शहीद होता है या हिंदुस्तान का कोई फौजी शहीद होता है तो नुकसान तो दोनों ही तरफ है। एक किसी का भी लाल, किसी का भी लाल अगर शहीद होगा तो माँ को दुख जरूर होगा। तो मैं तो इन माताजी को साक्षी मान करके यही मानता हूँ कि अगर आप प्रेम प्रेम भाव सबसे रखोगे तो आप किसी को भी जीत सकते हो, प्रेम से सबका दिल जीत सकते हो। देखो आपसी प्रेम भाव बना करके रखोगे, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब आपस में एक बन के रहेंगे हम लोग तो ही देश की ताकत होगी। और हिंदुस्तान का तो यही मानना है, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का यही मानना है कि अनेकता में ही एकता है। और इसी नारे के साथ में मैं अलविदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद। जय माता। हाँ, सबसे प्रेम बना करके रखो। जय माता जी। जबरो कनौट मात की जय।